कश्मीर में आज भी राजपूताना राइफल्स का एक एक सिपाही अपनी वफादारी निभा रहा है। आज भी उनके लिए रेजिमेंटल ऑनर से बड़ा और कुछ नहीं। सैनिकों की पांचवी पुश्ते आज भी वहां मौजूद है और वो सैनिक अपने राजपूत भाई से पूछते हैं, तू किसके लिए मरेगा? राजपूत कहता है, अपने पलटन के लिए। दोस्तों जरा सोचिए एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो जन्म से एक ऐसे माहौल में रहा जहां आर्मी के हथियारों और युद्ध वगैरह की बातें होती रहती हैं। एक लड़का जो अपने आसपास के माहौल से निकलकर विज्ञान को अपने जीवन की प्रगति का माध्यम चुनता है और इसी विषय की पढ़ाई करता है, और फिर जब कोई काम चुनने की बात आती है तो वो एडवर्टाइजिंग और शॉर्ट फिल्मों की दुनिया में आ जाता है। लेकिन इस माहौल में भी उसका मन नहीं लगता। जरा सोचिए ऐसे इंसान की जिंदगी कैसी होगी जिसे कहीं कोई चीज अच्छी नहीं लग रही हो। आप में से बहुत से लोगों का मानना होगा कि ऐसा इंसान अपनी जिंदगी में असफल ही हो सकता है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसा एक इंसान आज सफलता की बुलंदियों पर है तो आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री के सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं में से एक के मेनन को अपना पैशन, अपना रास्ता भले ही देर से मिला था, लेकिन जब वो अपने रास्ते पर कदम बढ़ाते चले गए तो वो सफलताओं की सीढ़ियां चढ़ते चले गए और आज वो अपने काम में सबसे माहिर लोगों में से एक हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन कुमार शिंदे और आप देख रहे हैं नारद टीवी। कृष्ण कुमार मेनन यानी कि हमारे के मेनन का जन्म केरल के एक हिंदू नायर आम भारतीय परिवार में 2 अक्टूबर साल 1966 को हुआ था। के मेनन के पिता का नाम केशियर मेनन बताया जाता है, जो भारतीय आर्मी की हथियार बनाने वाली फैक्ट्री में काम किया करते थे, और उनकी माँ राधा एक गृहिणी थी। के पिता को अपने काम के सिलसिले में समय समय पर एक शहर से दूसरे शहर शिफ्ट होना पड़ता था, इसीलिए केके का शुरुआती जीवन अलग अलग स्थानों पर बीता था और उनकी पढ़ाई भी महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में पूरी हुई थी। मेनन की उम्र जब सिर्फ 3 से 4 महीने की थी तब उनका परिवार पुणे आ गया था, जहाँ से इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी की और साल 1981 में अपनी 10वीं की परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो गए। मेनन जो अपने माता पिता की इकलौती संतान थे वो पढ़ाई में शुरू से ही अच्छे थे और स्कूल में होने वाले नाटक वगैरह गतिविधियों में भी हिस्सा लिया करते थे, लेकिन घर पर मेनन एक शाय और तन्हाई पसंद करने वाले लड़के थे जिसे अपने आसपास भीड़ भाड़ अच्छी नहीं लगती थी, और बचपन से अकेले अपने खिलौनों के साथ बड़े होने का असर उन पर आज भी नजर आता है, जहां वो फिल्मी पार्टियों में और अवार्ड शोज में बहुत कम नजर आते हैं। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद मेनन ने फिजिक्स के विषय में ग्रेजुएशन किया और फिर आगे की पढ़ाई के लिए पुणे के एक कॉलेज में दाखिला ले लिया, जहां से के मेनन एमबीए की डिग्री हासिल करके निकले। किसी मंच और अदाकारी से उनकी पहली मुलाकात किसी नाटक में 9 साल की उम्र में हुई थी, जहां मेनन एक सनफ्लावर बने नजर आए थे और ये अनुभव उनके लिए बहुत ही अच्छा और अलग था। धीरे धीरे जब वो स्टेज पर परफॉर्म करने लगे तो वहां का वातावरण उनको पसंद आने लगा था, लेकिन अब तक इस काम को अपने प्रोफेशन बनाने का विचार मेनन के मन में नहीं आया था। एमबीए की डिग्री हासिल करने के बाद मेनन ने दादर में अपनी एक एडवर्टाइजिंग कंपनी की शुरुआत की। इसके पीछे इनका मकसद सिर्फ कुछ पैसे इकट्ठे करने तक का ही था। धीरे धीरे इनके पास अपनी कंपनी के जरिए एक अच्छी इनकम आना भी शुरू हो गई थी, वो सेल्फ डिपेंडेंट बन गए थे। मेनन की जिंदगी अच्छी खासी चल रही थी, उन्होंने अच्छी पढ़ाई कर ली थी, उनके पास काम भी अच्छा था, यानी वो समाज की तरफ से एक वेल सेटल्ड व्यक्ति थे। लेकिन कुछ समय बाद मेनन को उनकी ये जिंदगी परेशान करने लगी थी। उनको ये लगने लगा था कि वो इस जगह और इस काम के लिए नहीं बने हैं। शुरू से ही नाटक वगैरह में हिस्सा लेते आ रहे मेनन को फिर से वही दुनिया बुला रही थी, और एक दिन मेनन ने अपनी कंपनी को बंद करके और सब कुछ छोड़कर थिएटर की तरफ जाने का मन बना लिया। थिएटर में जाने के बारे में सोच तो लिया, लेकिन किस थिएटर ग्रुप में शामिल होना चाहिए, कहाँ जाएं, ये सबसे बड़ा सवाल था, जिसके जवाब की तलाश में मेनन घूमते घूमते नसीरुद्दीन शाह के थिएटर ग्रुप मोटली में पहुंच गए, जहां जूलियस सीजर नाम के किसी नाटक की रिहर्सल चल रही थी। मेनन नसीर साहब के पास पहुंचे और उनसे कहा, थिएटर में काम करना है। इसके जवाब में नसीर साहब ने कहा कि वो 3 महीने से रिहर्सल कर रहे हैं, इसीलिए हर किरदार के लिए कलाकार फाइनल हो गया है। मेनन ने कहा कि वो थिएटर की दुनिया और इसके रंग ढंग को सीखने के लिए यहाँ आए हैं, इसीलिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। नसीर साहब मेनन की इच्छा शक्ति से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें अपने साथ रखने के लिए जूलियस सीजर में ही एक भीड़ के दृश्य में उनको खड़ा कर दिया, जहाँ 70 लोग मौजूद थे। इस तरह के मेनन ने अपना सफर शुरू किया, जहाँ से आगे की राह तय होने वाली थी। एक अच्छे खासे बिजनेस को छोड़कर थिएटर आए मेनन को यहाँ भले ही अपने काम का पैसा नहीं मिलता था, लेकिन अपने काम से संतुष्टि मिल जाती थी, जो किसी भी काम के लिए महत्वपूर्ण होती है। थिएटर में पैसा नहीं था और मुंबई में मेनन का अपना कोई घर भी नहीं था, वो तो सब कुछ पीछे छोड़ आए थे, इसीलिए मुंबई में जीवन बिताने के लिए मेनन 4-5 लोगों के साथ रेलवे कॉलोनी के बगल में एक छोटे से कमरे में रहते थे, जहां से हर 3-4 मिनट में एक रेल गुजरती थी। अपने साथ रहने वाले उन लोगों की बात करते हुए मेनन बताते हैं कि
कि उनमें से कुछ उनको MBA की पढ़ाई के समय से जानते थे, तो कुछ पहले से वहीं रह रहे थे। इन सब लोगों में एक बात कॉमन थी कि इन लोगों को लिटरेचर और आर्ट में बहुत दिलचस्पी थी, इसलिए मेनन की भी इन लोगों के साथ अच्छी जमने लगी थी। मेनन और उनके दोस्त अपनी दिलचस्पी के मुताबिक हर रात रशियन लिटरेचर की ग्रुप रीडिंग किया करते थे, जिसमें कोई एक किताब पढ़ता था और बाकी सब लोग उसे सुनते थे। इस तरह मेनन के दिन गुजर रहे थे और इसी दौरान उनकी मुलाकात मकरंद देशपांडे से हुई, जो खुद किसी थिएटर ग्रुप का हिस्सा थे। और मेनन बताते हैं कि मकरंद शुरू से ही उनको बहुत अच्छा अभिनेता मानते थे और अपनी जान पहचान के लोगों में मेनन को काम देने की बात किया करते थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात सईद अख्तर मिर्जा से हुई, जो उस समय अपनी फिल्म नसीम पर काम कर रहे थे। मकरंद देशपांडे उनसे मिले और उनके सामने मेनन का जिक्र करते हुए बोले कि ये लड़का बहुत अच्छा कलाकार है, आप इसे अपनी फिल्मों में काम दीजिए। मिर्जा साहब ने देशपांडे की बात सुनते हुए मेनन को अपनी फिल्म में एक छोटा सा किरदार दे दिया और इस तरह के मेनन का फिल्मी सफर शुरू हो गया। के मेनन ने नसीरुद्दीन शाह के साथ उनके ग्रुप में कई नाटकों में काम किया था, लेकिन जिस नाटक ने उन्हें पहचान दिलाने का काम किया उसका नाम महात्मा वर्सेस गांधी था, जिसमें नसीर साहब ने महात्मा गांधी और मेनन ने उनके बेटे का किरदार निभाया था। ये नाटक थिएटर और सिनेमा से जुड़े लगभग सभी लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया और साथ ही ये लोग नसीर साहब के सामने एक नए कलाकार के काम को भी पसंद करने लगे थे। यही वजह रही कि मेनन को थिएटर और फिल्मों के साथ साथ अब टेलीविजन की तरफ से भी ऑफर आने लगे थे। मेनन ने इस दौरान स्टार बेस्ट सेलर में अनुराग कश्यप के साथ काम किया और साथ ही सैटरडे सस्पेंस, द लास्ट ट्रेन टू महाकाली और प्रधानमंत्री जैसे शोज से अपनी पारी को आगे बढ़ाया। प्रधानमंत्री शो में मेनन ने जहां एक युवा प्रधानमंत्री का किरदार निभाया, तो वहीं एक दूसरे थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री शो में मेनन को इरफान खान के साथ काम करने का मौका मिला था, जिनको वो आज भी सिनेमा का सबसे बड़ा कलाकार मानते हैं। यहां आपको बता दें कि अपने थिएटर के दिनों के दौरान ही मेनन की मुलाकात निवेदिता भट्टाचार्य से हुई थी और इन्होंने आगे चलकर एक दूसरे को हमसफर चुन लिया। निवेदिता से मेनन की पहली मुलाकात एक नाटक की रिहर्सल के दौरान हुई थी, लेकिन किसी को भी पहली नजर वाला प्यार नहीं हुआ था। धीरे धीरे मुलाकात बढ़ती गई और एक दिन दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया था। खैर, टेलीविजन इंडस्ट्री के बाद मेनन को एक बार फिर बॉलीवुड में आने की जरूरत थी, जिसमें उनकी मदद अनुराग कश्यप ने की, जो खुद पहले एक एक्टर बनने आए थे, लेकिन धीरे धीरे उनका मन राइटिंग और डायरेक्शन की तरफ झुकने लगा और उन्होंने पांच नाम से साल 2003 में से एक फिल्म का निर्माण किया, जिसमें मेनन को एक सख्त और शानदार किरदार दिया गया था। फिल्म बन तो गई, लेकिन सेंसर में अटक जाने की वजह से कभी रिलीज नहीं हो पाई और आखिरकार थक हार कर अनुराग कश्यप ने इस फिल्म को कई सालों बाद यूट्यूब और बाकी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड कर दिया था, जहां ये फिल्म आज भी फिल्म प्रशंसकों के बीच काफी लोकप्रिय हुई और मेनन के काम को खूब पसंद भी किया गया। लेकिन मेनन का अब तक का फिल्मी सफर बॉक्स ऑफिस सक्सेस के मामले में अच्छा नहीं चल रहा था। पांच से पहले मेनन की पहली फिल्म भी उस राह की कमाई नहीं कर पाई थी जिसकी आशा की जा रही थी, और उसके बाद नसीर साहब के साथ भोपाल गैस त्रासदी पर आधारित फिल्म भोपाल एक्सप्रेस में मेनन ने अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन वो फिल्म कब रिलीज हुई पता ही नहीं चला। कुछ निराशाजनक दौर के बाद फिल्म हजारों ख्वाहिशें ऐसी मेनन के करियर की एक राहत बनकर आई, जो एक कल्ट क्लासिक बन गई। मैं भागने की बात नहीं कर रहा हूँ, आई हैवंट कम हियर फॉर दिस, मैं एक अलग स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूँ कॉमरेड। इसके बाद के मेनन एक बार फिर अपने पुराने दोस्त अनुराग कश्यप के डायरेक्शन में बनी फिल्म ब्लैक फ्राइडे में एक पुलिस इंस्पेक्टर के रोल में नजर आए। एक सच्ची घटना पर आधारित इस फिल्म में मेनन द्वारा निभाया गया किरदार सच्चाई से जुड़ा हुआ नजर आता है, जिसके पीछे का कारण इस कलाकार का बेहतरीन हुनर है, जो पहले रॉक बैंड आर्टिस्ट से सीधे पुलिस इंस्पेक्टर के रोल में काफी आसानी से ढल जाता है। देख असगर, सुबह से कुछ खाया नहीं, सर में बहुत दर्द है, भूखा हूँ, तू नहीं बोलेगा तो मैं बुलवाऊंगा। ब्लैक फ्राइडे भी कुछ समय के इंतजार के बाद जाकर रिलीज हुई थी, लेकिन इसके बाद मेनन लगातार लगभग हर साल हमें किसी न किसी रूप में नजर आते रहे हैं। अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म दीवार में काम करने के बाद साल 2005 में मेनन एक बार फिर बच्चन साहब के साथ फिल्म सरकार में नजर आए थे। ये फिल्म मेनन के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। वो कल का लौंडा मेरी उंगली पकड़ के ऊपर आया था और उसने मेरे पीठ पीछे, आपने तो ज्ञान दिया था ना, जब ताकत है तो इस्तेमाल करना चाहिए, किया मैंने इस्तेमाल। इस कुत्ते को समझाइए, मर जाएगा मेरे हाथों। जिसके बारे में वो बताते हैं कि इस फिल्म के बाद उन्हें किसी को भी अपना परिचय देने की जरूरत नहीं पड़ती थी, लोग उन्हें पहचानने लगे थे। सरकार में मेनन के द्वारा निभाए गए विष्णु नागरे के रोल के लिए उनको फिल्म फेयर की तरफ से पहली बार बेस्ट परफॉर्मेंस इन नेगेटिव रोल के लिए नॉमिनेट किया गया था। सरकार के बाद ये कलाकार हमें कई तरह के अलग अलग मगर यादगार रोल्स में नजर आया, फिर वो चाहे लाइफ इन अ मेट्रो का रंजीत हो या फिर शौर्य का ब्रिगेडियर रुद्र प्रताप सिंह। करो, यहाँ भगवान और ब्रिगेडियर प्रताप दोनों हम ही हैं। इनोसेंट AK-47 लेकर घूमते हैं हाथ में लॉलीपॉप की तरह।
इनोसेंट बच्चे नहीं है, टाइम बॉम्ब है साले, आतंकवादी के पिल्ले हैं। के मैनन ने हर तरह के किरदार में अपनी आंखों और डायलॉग डिलीवरी के जरिए फिल्म प्रशंसकों को मंत्रमुग्ध करने का काम किया है। शौर्य और गुलाल इन दोनों फिल्मों का नाम सामने आते ही सबसे पहले मैनन के वो दो सीन ही याद आते हैं जहां इस अभिनेता की शानदार संवाद अदायगी ने हर किसी को उनका कायल कर दिया था। 2013 में एनीबडी कैन डांस और साल 2014 में राजा नटवरलाल में नजर आने वाले मैनन को अपनी जिंदगी का शायद सबसे शानदार किरदार विशाल भारद्वाज की फिल्म हैदर में मिला था। शेक्सपियर के लोकप्रिय नाटक हेलमेट के इस भारतीय एडेप्टेशन में मैनन ने खुर्रम मीर का यादगार किरदार निभाया था जिसकी बदौलत उन्हें इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी और फिल्म फेयर अवार्ड सहित दुनिया भर के फिल्म प्रशंसकों की तरफ से अनगिनत सराहनाएं मिली थी। फिल्म गुलाल के उस पहले दृश्य की बात करते हुए मैनन बताते हैं कि उस दृश्य की शूटिंग रात के लगभग 2 बजे हुई थी और उस दृश्य को एक कट में पूरा करना जरूरी था, इसलिए काफी मुश्किलों के बावजूद भी मैनन ने अपना पूरा हुनर उस एक दृश्य में अपनी संवाद अदायगी और फेशियल एक्सप्रेशंस पर झोंक दिया जो उस दृश्य में नजर भी आता है। अपने काम को लेकर बात करते हुए मैनन बताते हैं कि वो किसी भी फिल्म में किरदार से ज्यादा उस आदमी को निभाने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनके अनुसार सिनेमा में किरदार गिने चुने ही हैं, लेकिन इंसान बहुत प्रकार के होते हैं और अलग अलग इंसानों को पर्दे पर लाने में बहुत मजा आता है। फिल्म हैदर के बाद मैनन ने बॉलीवुड की मेन स्ट्रीम ऑडियंस तक अपनी पहचान बना ली थी जिसके चलते उन्हें हिंदी फिल्म की कुछ बड़े बजट वाली फिल्मों में भी काम करने का मौका मिला जिसमें बेबी और ए फ्लाइंग जट जैसे नाम शामिल हैं। के मैनन फिल्मों से अलग वेब सीरीज की दुनिया में भी लगातार सक्रिय हैं जहां पिछले साल आई वेब सीरीज स्पेशल ओप्स में हिम्मत सिंह के किरदार ने इस कलाकार को आम लोगों के बीच बड़ी पहचान देने का काम किया। गाइस, बस दो बातें ध्यान रखना। पहला, मुझे इखलाक खान की मौत की कंफर्मेशन चाहिए और दूसरा, मेरे टीम मेंबर्स की गिनती बनी की बनी रहनी चाहिए। इस वेब सीरीज के दूसरे पार्ट के जरिए मैनन एक बार फिर इंटरनेट की दुनिया में अपने हुनर का जलवा बिखेर रहे हैं, साथ ही उनके कई और प्रोजेक्ट्स भी भविष्य में आने वाले हैं। इसी उम्मीद के साथ ये कलाकार यूं ही हमें अपने हुनर से एंटरटेन करता रहेगा। आज के एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।